वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपशूट ग्लैम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस, अभी मैं उठी हूँ और आज है संडे और अभी बज रहे हैं 11 और आज हम कहीं जाने वाले हैं। आज मेरी नन के बेटे का अकीका है। आज है संडे और आज हम जा रहे हैं सिस्टर इन लॉ की तरफ। उनके बेटे का अकीका है और वो जो पीछे मैस पड़ा हुआ है उसको इग्नोर करिएगा। वो मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं और संडे है वैसे भी, तो सारी चीज़ें फैलाने का हक़ तो बनता है। एक दिन के लिए तो बंदा फैला ही सकता है। तो अब बस मैं रेडी होने जा रही हूँ। अभी 11 बज रहे हैं और उसके बाद रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ, या फिर हो सकता है मैं गेट रेडी विद मी ही कर लूँ और फिर रेडी होके आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी। और आई होप आप लोग भी ठीक होंगे और आई होप आप लोगों को वीडियोस मेरी अच्छी लगती होंगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल। हमारा जाना थोड़ा सा अभी डिले हो गया है। पहले हमें दोपहर में जाना था लंच पे और अब हम शाम में जाएंगे क्योंकि उनके यहाँ कोई जो है किसी की खाला की या किसी की डेथ हो गई है, तो उन्होंने जाना है वहाँ पे और फिर शाम में हम लोगों का डिनर है इंशाल्लाह, तो फिर हम जाएंगे। और बस यही है, इसलिए मैं सुबह से उठी भी थी लेकिन अब नहीं जाना। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लें, रेस्ट कर लें, तो उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे शाम में इंशाल्लाह। कि हम सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान का फाइनल मैच है, तो हर कोई अपने घर में मैच देखने में लगा हुआ होगा। हम लोग भी देख रहे हैं और वहाँ पे जहाँ हमने जाना था वहाँ पे भी मैच का सेटअप था, लेकिन अब हम नहीं जा रहे तो यहीं पे बैठ के देखेंगे और देखते हैं कि क्या बनता है। होप फॉर द बेस्ट और इंशाल्लाह या तो जीत जाएंगे या फिर हार जाएंगे, कुछ तो होगा। लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी दुआ तो कर ही सकते हैं, दुआओं से तो सब कुछ चेंज हो सकता है। तो बस हम वही कह रहे हैं कि हम मैच देखेंगे और साथ साथ नाश्ता करेंगे और बस बैठे रहेंगे और मैच ही देखते रहेंगे शाम तक। मैच से पहले हमने एक घंटा ये सुना जो कि तबसरा चल रहा था सारे क्रिकेटर्स का, और हर न्यूज़ चैनल पे हर जगह पे क्रिकेट के बारे में ही सब कुछ चल रहा था क्योंकि पाकिस्तान था फाइनल में। तो अपने मुल्क की खुशी एक अलग ही होती है कि फ़ाइनल तक पहुंच गया है सारी टीम्स को हरा के पीछे छोड़ के। तो गाइस, अब मैं होने लगी हूँ रेडी और मैं आप लोगों के साथ गेट रेडी विद मी शेयर करूँगी, थोड़ी बहुत क्लिप्स ऐड कर दूँगी और बस अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। पीछे मेरी रिंग लाइट और स्टैंड पड़ा हुआ है, उस पर मैंने अब मोबाइल लगा देना है और फिर साथ साथ तैयार होती रहूँगी। और हो सकता है साथ साथ मैं आप लोगों को बताती रहूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, क्या क्या अप्लाई कर रही हूँ, और नहीं तो फिर मैं नहीं बता पाऊँगी। अगर मतलब जल्दी जल्दी मेकअप करना हुआ तो मैं शायद ना भी बता पाऊँ, लेकिन जो है आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लिप मिल जाएगी कि मैं किस तरह से रेडी हुई। तो आइए चलिए हम रेडी हो जाते हैं और देर हो जाएगी वरना हमें जाने के लिए। Thank you.
दिखा देती हूँ। और ये देखिए मैंने इस तरह का मेकअप किया है और अपना आउटफिट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह का है। और बस फिर हम निकलते हैं और लेट हो गया काफ़ी, तो निकलना चाहिए अब हमें। और बाकी की जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर हो सका तो, और अगर नहीं हो सका तो वापस आके व्लॉग बनाएंगे। आप लोगों के साथ अपना आउटफिट शेयर कर देती हूँ कि किस तरह का है। ये देखिए आप, ये है मेरा आउटफिट, आप देख सकते हैं। और ये मेरा बैग है और ये हील्स पहनी है मैंने इसके साथ, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं करीब से मेरा मेकअप। और अब बस चलते हैं, हस्बैंड नीचे वेट कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है इसलिए इस तरह का लग रहा है। और बस यही है, अब चलते हैं। और अब बस मैं निकलने लगी हूँ और वहाँ पहुँच के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ। और बेबी से भी मिलवाऊँगी अगर हो सका तो। और जो है हवा बहुत तेज़ है, पंखे के नीचे खड़ी थी तो बाल सारे उड़ के मुंह पे आ गए हैं। तो अब बस चलते हैं, बाकी का ब्लॉग वहाँ पर कंटिन्यू करूँगी, हस्बैंड नीचे वेट कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ। तो गाइस हम आ गए थे वापस और अभी आधा एक घंटा हुआ है हमें अब वापस आए हुए। और थोड़ी देर के लिए हम ससुराल चले गए थे क्योंकि हम एक ही गाड़ी में गए थे, तो एक ही जगह जाना था इसलिए हम एक ही गाड़ी में गए। तो सब थे, माँ बाबा, मैं और मेरे छोटे देवर और मेरे हस्बैंड, हम लोग चले गए और हम आ भी गए वापस। और बस वहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं और कुछ लोग नहीं होते, तो इसलिए मैंने लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहा, इसलिए मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी। तो अब बस घर आके ही थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करूँगी जो भी करनी होगी, और उसके बाद टीवी वगैरह देखूँगी अगर देखी तो, वरना फिर मैं सो जाऊँगी। और पीछे बैकग्राउंड में जितना भी मैस है उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि आज संडे था और संडे को मैं बिल्कुल रेस्ट करती हूँ, कुछ भी नहीं करती, पूरा घर फैला हुआ होता है। और बस मंडे को फिर सफाई करती हूँ। हम आए हैं वापस और हस्बैंड को पीनी है चाय, तो मैं रख रही हूँ चाय, और उनको शायद थोड़ा सा बुखार हो रहा है तो मैं उनको पैनाडोल वगैरह दूँगी, साथ चाय दूँगी। और फिर हम टीवी वगैरह देखेंगे, थोड़ी देर जागेंगे। और नींद बहुत आ रही है, हो सकता है ज़्यादा देर ना जाग सकें क्योंकि आज हम बहुत जल्दी उठे थे क्योंकि सुबह का प्लान था, फिर उसके बाद कैंसिल होके शाम का हो गया था। तो बस यही है कि अब हम थोड़ा सा टीवी देखेंगे, चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद तो हो सकता है हम सो जाएं। और बस साथ साथ मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। अभी तो चाय रखी हुई है मैंने बनाने के लिए, अब वो जब बन जाएगी तो मैं उसको रूम में ले जाऊँगी और हस्बैंड को साथ पैराडोल भी दे दूँगी ताकि थोड़ा बुखार ठीक हो जाए। और बस यही था, और साथ साथ मैं आप लोग का अपडेट भी करती रहूँगी कि व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ या नहीं कर रही, और अगर मैं भूलूँ ना व्लॉग को अपलोड करना या एंड करना तो मैं आज ही इसको अपलोड भी कर दूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारी चाय पक रही है और मैंने इसको ज़ूम किया हुआ कैमरे को, ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़े पतीले में चाय बना रही हूँ, छोटा सा सॉस पैन है बस उसी में चाय बनती है और एक कप बन रही है चाय, लेकिन वो उसको ज़ूम किया हुआ तो इसलिए वो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चाय रखी हुई है। चाय बन गई है, अब मैं हस्बैंड के लिए लेकर जा रही हूँ अंदर, और आज मैंने छोटे कप में दी है। गाइस मैंने चेंज कर लिया है और अब बस मेकअप रिमूव करूँगी और उसके बाद हम टीवी ले आएंगे अंदर और टीवी देखेंगे थोड़ी देर के लिए। और पीछे के मैस को इग्नोर करिएगा क्योंकि आज मैं बाहर गई थी और संडे था तो चीज़ें फैली हुई हैं सारी की सारी, इनको मैं अब सुबह समेटूँगी, कुछ को मैं अभी समेट के रख दूँगी। और मेकअप रिमूव करना मत भूलिए, अब भूला करें आप, कभी भी कहीं भी जाएं रात में मेकअप ज़रूर रिमूव करके फिर ही सोया करें क्योंकि आपकी जो पोर्स क्लॉक हो जाते हैं मेकअप ना रिमूव करने से, फिर आपके फेस पे पिंपल निकल आते हैं, डल स्किन हो जाती है आपकी। तो मेकअप रिमूव करना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है आपके लिए, तो मेकअप को ज़रूर रिमूव किया करें। और बस अब हम टीवी देखेंगे।
ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।